हाय एवरीवन, दिस इज सुगम राणा एंड वेलकम टू माय चैनल द बैंकिंग बडी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 9 दिन मेरा क्या शेड्यूल रहेगा IBPS क्लर्क के पेपर से पहले। सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो सुबह उठते ही एक मॉक देना है। मॉक टेस्ट करूँगी और उसका एनालिसिस करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हिंदू एडिटोरियल जो है अड्डा के यूट्यूब चैनल से संतोष सर की क्लास से मैं हिंदू एडिटोरियल करूँगी। फिर वायरल मैथ्स करके अड्डा में ही एक क्लास होती है, स्पीड मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें बिना पेन और पेंसिल यूज़ किए आपको कैलकुलेशंस करके आंसर करने होते हैं, तो वो करूँगी ताकि स्पीड इम्प्रूव होते रहे। तो ये 3 चीज़ें होने के बाद एक और मॉक टेस्ट दूंगी और मॉक टेस्ट के बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है उसको रिवाइज करूँगी। तो मेरे पास ऐसे उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे ऐसे करके पीछे तक हैं ये। तो ये मैंने 25 तक आज रिवाइज कर लिए हैं, आगे के बाद में करूँगी। तो ये आराम से रिवाइज करूँगी बार बार। और एक PDF है जो मैंने टेलीग्राम में डाल भी दिया, वो निमिषा बंसल मैम ने ही शेयर किया है, आप उनके ग्रुप से भी ले सकते हो और मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिए, वहाँ से भी ले सकते हो। उससे एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करूँगी इसी के अंदर। उसके बाद अड्डा की क्विज करूँगी मैं, जो डेली फ्री क्विजेज आती हैं वो फॉर 2 आवर। इसमें से अभी मेरा 1 घंटे का पूरा हुआ है, जब 1 और घंटा हो जाएगा तो मैं इसको टिक कर दूंगी और नेक्स्ट चीज़ में पढ़ूंगी, जो है इंग्लिश की PDF। मेंस PDF करूंगी इंग्लिश की। ये मैं इंग्लिश की मेंस PDF वैसे सॉल्व नहीं करती, मैं उसकी क्विज फॉर्म में लेती हूँ, जो गाइडली की PDF होती है ना, उसको क्विज करके लेती हूँ मैं मैथ्स मोबाइल में। मोबाइल में क्विज का ऑप्शन आता है तो आप उसको क्विज के फॉर्म में भी कर सकते हो। उसके बाद मैथ्स या रीजनिंग में से कोई एक करूँगी, ये ऑल्टरनेटिव डेज में करूँगी। मैथ्स और रीजनिंग दोनों करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे तो मतलब मेंस में ही आपको सारा टाइम लग जाएगा, पर अभी प्री की तैयारी करनी है तो इसलिए मैथ्स या रीजनिंग ऑल्टरनेटिव डेज में करूँगी। तो कल मैंने रीजनिंग की थी तो आज मैं मैथ्स करने वाली हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स और उसकी रिवीजन साथ साथ में, MCQ वगैरह PDF जो होती है उससे भी सॉल्व करना, ये मैं अफेयर्स क्लाउड की PDF से करती हूँ। एंड द लास्ट वन इज रिवाइज फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन वगैरह वगैरह। तो ये तो अभी मेंसुरेशन है, इसको चेंज करके कोई और चीज़ की रिवीजन भी हो सकती है, ये चेंज होता रहेगा। तो करंट अफेयर्स करने के बाद लास्ट में रात को सोते वक्त, उससे पहले, सोने से जस्ट पहले कोई एक चीज़ रिवाइज करूँगी, जो भी इतना बड़ा सिलेबस है मैथ्स का और रीजनिंग का या इंग्लिश का, उनमें से कुछ ना कुछ रिवाइज करूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो ये है मेरा नेक्स्ट 10 डेज का सिलेबस। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ़ यू डू देन यू कैन लाइक द वीडियो, और कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।